आज इस मंच पे मैं एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो जो भी करते हैं वो स्टाइल बन जाता है. अगर उन्होंने मान लो हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया ना, पूरी दुनिया ब्रेसलेट पहन के घूम रही है. हाँ, जो बॉडी बिल्डर है उनको तो चलो सूट करता है, कहीं दुबले पतले भी ऐसे पहन के घूम लेते हैं, फिर ऐसे होके चलने लगते हैं क्योंकि भाई ने पहना तो हम भी पहन लेंगे. ये वो सुपरस्टार हैं जो कहते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. अब जो बंदा खुद की नहीं सुनता, मजाल है कोई दूसरा उनको सुना जाए. ये जब बोलते हैं कि मैंने प्यार किया तो इनकी आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है. मैंने प्यार किया, किया तो किया, जो करना कर लो. इनके आगे अच्छे अच्छों की पेंट ढीली हो जाती है, लेकिन खुद जब ये ढीली पेंट को भी ऐसे से करते हैं वो भी डांस स्टेप बन जाता है. तो इससे पहले कि वो खुद पूछे कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं उन्हें. प्लीज वेलकम सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान. भाई आ जाओ बाहर. हाँ हेलो सलमान भाई, सो तो नहीं गए अंदर? सलमान, हेलीकॉप्टर का पंखा चलता है, नींद आ जाती कभी कभी. गिरना मत. व्हाट इज ही डूइंग हियर दास दादा? हाँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे अर्चना जी ने भेजा, बोलो ऊपर से दास दादा आप आओ, मेरा वीडियो निकालो, मुझे इंस्टाग्राम में डालना है. दास दादा वो तो कुछ भी बोल देती हैं. अगर आप गिर जाते हैं हेलीकॉप्टर से, मैं दास दादी को क्या जवाब देता? जल्दी आओ, आप अपनी सीट पे बैठो, सलमान भाई की एंट्री करनी है. उतरोगे कैसे, चढ़ तो गए आप. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज वेलकम द असली सलमान खान. इस इलाके का एक ही टाइगर है, वो जब वो आता है छा जाता है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, थैंक यू, शुक्रिया. जोरदार तालियां एक बार सलमान भाई के लिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. अपने शो पे आप देख सकते हो हमने
कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते भाई, बड़ा पैसा बचाते हम। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। बड़ी एक्स्ट्रा सारी चीजें होती है ना भाई, जो हमने प्लान नहीं की होती वो हो जाती हैं। अच्छा। जैसे हम, आपने जैसे पीछे कमरे बनवा के दिए थे कि आर्टिस्टों के लिए, अब हम जब ब्रेक पे भी जाते हैं ये अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, उधर ठहर जाते हैं। पर फिर भी मेरे पास घर है। हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे भाई अभी आपकी एंट्री के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया था ना, जिसमें दास दादा उतरे हमारे, ये एक्चुअली हमने बनवा रखा था अक्षय पाजी की एंट्री के लिए, तो उस समय बना नहीं हेलीकॉप्टर, तो नदीम भाई आ गए, कहते बोला करके ये जो बनाया है वेस्ट नहीं करने का, भाई का पैसा वेस्ट नहीं होना ना, इधर डालो, चाहे दास दादा आए लेकिन हेलीकॉप्टर आना चाहिए। अब वो हेलीकॉप्टर से मैं नहीं उतरता, वो अकीका है, वो हेलीकॉप्टर पर लटकते हुए जंप मारते हैं, उनका स्टाइल है, और हेलीकॉप्टर अपना नहीं है जी, अपना साइकिल है। इससे पहले कि हम लोग आज शो की शुरुआत करें भाई, मैं एक दिल से बात करना चाहूंगा। सलमान भाई फिल्मों में तो बिजी रहते ही हैं, लॉकडाउन में ये बहुत बिजी थे, और लॉकडाउन में बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को जो आपने बहुत सारी जरूरत की चीजें थी, चाहे खाना दवाइयां, वो आपने मुहैया कराई, उन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के पैसे उन्हीं के पास जा रहे हैं, ये सब चीजें खरीद रहे हैं और वही पैसे जा रहे हैं वापस से इलाज में और एजुकेशन में। भाई एक आपको और चिट्ठी आई होगी मुरारी लाल नाम के एक बंदे की, कि मेरे गांव में प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए चाहिए, उसको रिप्लाई मत करना, वो ही अर्चना जी हैं। वो इन्होंने, भाई बाकी सब सही चल रहा है, खाली ये हमें प्रॉब्लम दे रही हैं। अभी आके मुझे बोला कि ये शो चलता रहेगा ना जी, इसे वो बगल का विला लेना है। और मैं तो देख रहा हूँ कि ये बगल का विला ले रही है, 2 ऑलरेडी है, उसके बाद बगल का एक और विला, और मैं अभी तक 1 बेडरूम में हूँ। सारा मैं ही लूट के खा गई हूँ ना। नहीं चलो बाकी सारी बातें ठीक है भाई, बाहर जो आपका बोर्ड लगा है सलमान खान टीवी का, उसका बैनर उठा के ले गई। मैंने कहा ये क्या करना, मैं उसकी फैन हूँ, मैं क्यों नहीं लेके जा सकती। फिर मैं इनके घर गया, देखा नाइट सूट बनवाया हुआ उसका, राइट वाली टांग पे लिखा हुआ सलमान खान प्रोडक्शन, अच्छा लगता है। हमारे सीईओ है ना, सीईओ यो जी, मिस्टर नदीम कुरैशी जी जी, तो ये पूरा टीवी संभालते हैं, ये इधर ही बैठे, इनका क्लोजअप चाहिए। नदीम भाई के लिए जोरदार तालियां। इनका पसीना छूट गया। कैमरा शाय है नदीम भाई बहुत। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा कि ये जो प्रोडक्शन चल रहा है हमारा जी, तो इसका क्या खर्चा कितना है। तो ऐसे ये सेट कितने बनाए, ये जो जूनियर आर्टिस्ट जो आते हैं, जो ऑडियंस जो स्पॉट बॉय बनते हैं, लाइट मैन, लाइटिंग वाइटिंग, ये जितना भी है। तो ऐसे कपल कितना लेके जाता है। तो ऐसे तुम एसके टीवी के सीईओ हो, तो ऐसे ये तुमको जानना चाहिए, ये कोई अपना काम है क्या। फिर मेरे को बानी जी को फोन लगाना पड़ा कि हमारा सीईओ तो बड़ा कमाल का है, तुम लो चेक करो या तुम लो ही बोल रहा। सलमान भाई ने जब आना होता है, हमारी टीम बड़ी एक्साइटेड होती है कि सलमान भाई सेट पे आ रहे हैं, तो सारे मोटिवेटेड होते हैं बड़ा, तो आप तो खुद सलमान खान हो, आपको क्या चीज एक्साइट करती है। सलमान खान मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मतलब कि 2 दिन पहले मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, मतलब कि ऐसा क्लियरली याद है, उसके पहले के जो 17 साल हैं, ओके, जब से ऐसा लगा कि अब काम करना शुरू चाहिए, वो ऐसा लगा था कि कभी काम मिलेगा नहीं। अच्छा, तो वो थिंकिंग, वो थॉट मेरे दिमाग में आज भी है। मैं 8 घंटे 16 घंटे 18 घंटे रोज काम करता हूँ। बड़ा मुश्किल है वैसे सलमान खान होना भी। सलमान, जब छुट्टी लेते हो तो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन छुट्टी के लिए जाने की फॉर यू? पनवेल। दैट्स इट, इधर गैलेक्सी और पनवेल। कोई ऐसी कंट्री है भाई जो आपका मन हो जाने का कि मुझे विजिट करना कभी? नहीं, ये कंट्री बस आए।
मैंने देखा है सलमान भाई के जो फैंस हैं ना वो लॉयल फैंस हैं सलमान भाई जो भी करते हैं ना वो फॉलो करने लगते हैं कई तो इस चक्कर में शादी नहीं कर रहे कि सलमान भाई नहीं शादी कर रहे अपने माँ बाप से भी बोल देते हैं कि सलमान भाई नहीं कर रहे तो हम क्यों करें हालांकि उनको इस बात का इल्म नहीं है कि सलमान भाई ने ऑफिशियली पोस्ट नहीं ली फैसिलिटी सारी ले ही लेते हैं भाई ये जो लोग आपको फॉलो करके शादी नहीं कर रहे हैं उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे देखो मेरे टिप देने से ना देने से इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं टिप तो आपको देना चाहिए कि शादी के बाद आपकी क्या जिंदगी वो आपके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है लेकिन अगर आप पता चल रहा है लेकिन अगर आप मुंह जबानी बोलें उनको कि शादी कर लेनी चाहिए बच्चे पैदा कर लेने चाहिए वो आपके एक्सप्रेशन से ये समझ जाएंगे कि नहीं करनी चाहिए मतलब कि अगर माँ की कसम भी खा के बोलोगे तभी भी नहीं माने ये मेरी माँ कहती थी सलमान भाई शादी कर लो अब जब से मैंने शादी की है बहू के पास बैठती नहीं है मैं शूटिंग पे आके बैठी हूँ कपिल जी एक रिक्वेस्ट है आज नॉर्मली मैं बोलती नहीं हूँ तुझसे लेकिन तू एक सलमान का एक गाना बहुत बढ़िया गाता है पहला पहला प्यार है आज सलमान के सामने सीधा बोलो ना आपको यहाँ पे आके उस गाने पे डांस करना है ताकि आपका प्रोमो कटे भाई ये बहुत तेज है मेरे को एक चिट्ठी भी आई थी पता है मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ क्या चिट्ठी मैंने वैसे याद ही है एक चिट्ठी आई एक इंसान की कुछ चिट्ठी बाहर फेंक गया उसने लिखा कि प्रिय कपिल आज हमें पता चला है कि आपके शो पे सलमान खान आ रहे हैं तो मेरी एक फरमाइश है कि अर्चना जी को एक गाने पे सलमान जी के साथ एक डांस हम जरूर देखना चाहेंगे बस मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि फिर अर्चना मुझे मारेंगी एक लाचार पति मजा आ जाएगा आज प्लीज एक बार अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां चलो 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 प्रोमो मूवमेंट भाई मैं आपका गाना ये एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब का सलमान यू नो ना आई कांट डांस नाउ यू बेटर हैंडल La 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 Pehla pehla pyar hai Pehli pehli baar hai Pehla pehla pyar hai Pehli pehli baar hai जाने के लिए अंजला कैसा मेरा यार है पहला पहला प्यार है पहली पहली बार क्या खूबसूरत गाना भाई थैंक यू अर्चना जी सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू अर्चना जी मजा आ गया लव यू सो दोस्तों अब वक्त है फिल्म अंतिम में मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकार को मंच पे बुलाने का तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मुख्य मुख्य नहीं है मुख्य ये इधर है आप मुख्य हो वो भी है पिक्चर के अंदर है ब्रदर इन लॉ लेकिन मुख्य ये जिस हिसाब से काम है वैसा काम है अच्छा ये बात यहाँ तक के फैलिए हाँ ये मैंने सुना था कि गेस्ट अपीयरेंस वगैरह नहीं है फुल फिल्म में हूँ तो फिल्म अंतिम में दूसरी मुख्य भूमिका निभा रहे कलाकार को मंच पर बुलाने का वक्त है आज सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड आयुष शर्मा ओहो डांस वाली एंट्री
आयुष बहुत बहुत स्वागत है आपका. जोरदार तालियां आयुष के लिए. आयुष सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू. हमने ट्रेलर देखा, बड़ा ही कमाल का है जी. और आप क्या लग रहे हैं ये पहले क्लियर करो कि मुख्य कलाकार कौन है पिक्चर का. सर मुख्य कलाकार मुखिया इधर मुख्य कलाकार जी. ये पिक्चर आई थी लव यात्री जी, उसमें ये मुख्य थे जी. आयुष बॉडी भी आपने यार कमाल की बनाई है. ये एक बात बताइए मुझे, सलमान भाई की फैमिली से जुड़ने के लिए बॉडी बनाना जरूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं. अरबाज भी है हमारा साथ. अरबाज भाई फिट है यार, बड़े से फिट है. हाँ आप उनके सामने आजकल आनंद स्पर्श नहीं करो. नहीं ऐसा नहीं सर, क्या है कि मैं पहली बार जब अर्पिता को मिला था तो उसने मुझे थोड़ा बहुत पतला सा था और उस टाइम मैं ना थोड़ा बहुत जिमिंग करता था. अच्छा. तो एक दिन हम लोग भाई ने फार्म पे बुलाया था हमको और भाई ने पूछा वर्कआउट करते हो? मैंने कहा. तो भाई ने कहा आ जाओ आज वर्कआउट करते साथ में. तो अर्पिता ने मुझे जाते जाते बोले ऐसे कोई मतलब मरने जा रहा था ना, जैसे छाछ छाछ को चलता है, बोलते कि देखो नहीं होता है तो बहाना मार देना, बोल दो लग गई है. मैंने कहा नहीं नहीं मैं भी वर्कआउट करता हूँ. सर उस दिन वो सेशन चला था 1 घंटा 45 मिनट्स. अच्छा. मुझे लगा अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, कब खत्म होगा, और हुआ ही नहीं. तो जब मैं जिम से बाहर निकला मैं ऐसे निकला. आप सर मेरी दिक्कत सोचो, जब हम लोग कभी घर पे ऐसे पूल में कपड़े उतारते कितनी शर्म आती हुई कपड़े उतारने में. सलमान भाई हैं, सोहेल भाई हैं, जब इनके कपड़े उतरते हैं तो हम लोग फिर क्या करें? बोल देगा मेरे को जुकाम है, मैंने स्विमिंग नहीं करनी. एक करीबन 3-4 साल पहले सोहेल, मैंने और डैड ने बेयर चेस्टेड एक पिक्चर हमने पोस्ट किया था और डैड के चार पैर. और एक बार मेरे टाइम पे कुछ 6-7 महीने का थोड़े बहुत एब्स आ गए, तो मुझे लगा भाई को दिखाने का टाइम आ गया है, मतलब अच्छा. आज मेरा दिन है. तो मैंने ऐसे अपने कपड़े उतार के ऐसे पूल में जा रहा था, सोचा भाई देखेंगे वहां से ना कि देखेंगे. तो भाई ने जैसे देखा मेरे को, मैंने कहा आज तारीफ हुई. फिर नीचे टांगों को देखा. एक दिन ये कुछ 1.5-2 महीने वर्कआउट करके अच्छा आए रात को दिखाने के लिए बॉडी. और मैंने एक कोई पिक्चर थी एंड आई जस्ट स्टार्ट, उसमें बॉडी शॉर्ट्स थे तो दे सॉ मी के है चार पैक है वगैरह. हाँ देन मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था 1.5 हफ्ते पहले. अच्छा. 1 हफ्ते पहले तो इनको ऐसा लगा कि आए दिखाएंगे ये वो. तो उन्होंने शर्ट उतारा, मैंने अपना शर्ट उतारा. फिर नेक्स्ट डे मेरी शूटिंग थी. तो मुझे तो तैयार तो देखे अपना शर्ट पहने वापस. अच्छा जैसे ही आयुष ने बॉडी बनाई उसी समय शर्ट भी उतार दिया आपने जी फिल्म में जी. तो ये संगत का असर कहे या क्या? सर देखो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते. हाँ ये तो है कि मतलब सलमान भाई के सामने अगर शर्ट उतारने का मौका मिले, चाहे खुद को ही ऐसी आ रही है अपने आप पे कि जब भाई ने शर्ट उतारी और उसका जब मेरा शॉट हुआ तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी वो कपड़े उतारते हुए, मतलब कि कैसे ये चीज होगी. ये इतना सेल्फिश ब्रदर इन लॉ है. अच्छा. हाँ इतना सेल्फिश ब्रदर इन लॉ है कि मेरा टाइमिंग ना 2-3 दिन से ऑफ हो गया था. अच्छा. हाँ बॉडी के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना ये 2-3 दिन से ऑफ था. अगर मुझे 2 दिन मिल जाता, खुद प्रोड्यूसर मैं. हाँ. हाँ? इसने अपनी बीवी से फोन करा के बोला है अर्पिता से कि आस्क हिम नॉट टू एक्सटेंड दोस 2 डेज, डू इट नाउ ओनली बिकॉज़ आई एम रेडी. क्योंकि इन्होंने वाटर कट, सॉल्ट कट, ये कट, नो चावल, नो काब. अब ये पगलेट हो गए थे, अभी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था. और अपन सब खा पी के अपन बॉडी बनाई. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.